Hi everyone, I am DS Yadav. Welcome you once again at our YouTube channel DS Pathshala. In this video, we are going to study about types of tragedy. Namaskar dosto, sat sri akal. Jai Jinendra, good morning everyone. Aaj hum jo is video mein discuss karne ja rahe hain, wo discuss karne ja rahe hain, bahut hi important kuch points hain. हालांकि हमारे रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने जो ड्रामा का पूरे के पूरा एक कॉम्बो बनाया है, ये चाहे आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दो, चाहिए आप कोई भी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दो, ड्रामा से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आता है तो आप 100% सोल्व आउट कर सकते हैं. सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे एलिमेंट्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं. ऐसे ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी. ट्रेजेडी के प्रकार होते हैं दोस्तों, एक होता है मिडाइवल ट्रेजेडीज, एक होता है सिनेकन ट्रेजेडी, एक होता है रिवेंज ट्रेजेडी, या फिर कहें कि ट्रेजेडी ऑफ ब्लड, और जो चौथे नंबर पे है वो बोर्जुआस ट्रेजेडी या फिर डोमेस्टिक ट्रेजेडी. इन फोर टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं. पहली जो हमारी ट्रेजेडी है, मिडाइवल ट्रेजेडीज. क्या होती है मिडाइवल ट्रेजेडी? तो इसमें एक स्टोरी होती है. एक चीज़ और बता दूं, जैसे मिडाइवल ट्रेजेडी है, सिनेकन ट्रेजेडी है और रिवेंज ट्रेजेडी है, इनमें कॉमन बात ये होती है कि अपर क्लास का आपका प्रोटेगोनिस्ट रहेगा, जो हीरो रहेगा वो या तो किंग रहेगा या फिर कोई भी उच्च क्लास का रहेगा. ओके, देखिए इसमें जो स्टोरी होती है, द स्टोरी ऑफ अ पर्सन ऑफ हाई स्टेटस, एक ऐसा व्यक्ति जिसका हाई स्टेटस होता है उसकी कहानी इसके अंतर्गत होती है. Who is brought, जिसको लाया जाता है from prosperity, prosperity मतलब होता है समृद्धि, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, नाम होती है, इज्जत होती है, शोहरत होती है, prosperity, to wretchedness, wretchedness means घटियापन, okay, नीचापन, by an unpredictable का मतलब होता है जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जिसका पता नहीं हो, मतलब अनजान जिसे हम कह सकते हैं, जिसका हमें पता ही नहीं हो. टर्न बदलाव ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील मीन्स पहिया, फॉर्चून मीन्स भाग्य, जो भाग्य का पहिया है वो ऐसा घूमता है कि अनप्रिडिक्टेबल. टर्न ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब होता है जो भाग्य का अनप्रिडिक्टेबल, जिसे हमें पता ही नहीं है, कोई बता ही नहीं सकता है, जिसका पहले से किसी ने कुछ भविष्यवाणी नहीं कर रखी है, ऐसे किसी कारणवश जो हाई स्टेटस हमारा हीरो होता है, प्रोटेगोनिस्ट होता है, वह प्रॉस्पेरिटी, समृद्धिशीलता, या यूं कहें कि उसके अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ होती है, ओके, उससे एकदम रेचिडनेस की तरफ चला जाता है, उसे हम मिडाइवल कॉमेडीज कहते हैं. सीधी सी बात यह है कि जो पहले के जो मिडाइवल कॉमेडीज लिखी गई थी उनके अंतर्गत इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है कि हाई स्टेटस का हीरो होता था जिसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटीज होती थी, वो किसी ऐसे भूलवश या कि किसी ऐसे कारण से या भाग्य का पहिया ऐसा बदलता है उसका, जिसकी वजह से वह रेचिडनेस अर्थात घटियापन की तरफ चला जाता था. यही होती है हमारी मिडाइवल कॉमेडी. और जो सिनेगन ट्रेजेडी है, कॉमेडी माफ कीजिएगा, कॉमेडी नहीं ट्रेजेडी, और हमारी जो सिनेगन ट्रेजेडी है, सिनेगन ट्रेजेडी सिनेगा की जो टाइम पे लिखी गई ट्रेजेडी थी उसे सिनेगन ट्रेजेडी कहा जा गया. इस ट्रेजेडी की मुख्य विशेषता यह है कि जो हमारा एक टाइप हमने पढ़ा था क्लोजेड ड्रामा, पढ़ा होगा अगर आपको याद, क्लोजेड ड्रामा ऐसा ड्रामा जिसको सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा जाता है, परफॉर्म नहीं किया जाता है. तो ध्यान दें, इट वॉज रिटन टू बी रिसाइटेड, रिसाइटेड का मतलब जैसे बुक, ड्रामा की बुक हाथ में ले ले और रिसाइट करना, लेकिन रादर देन एक्टेड, एक्टेड सीधी सी बात है, परफॉर्म करने के बजाय इसको पढ़ना या फिर रिसाइट करना मुख्य उद्देश्य होता है. कौन सी ट्रेजिडी का? सिनेकन ट्रेजिडी का. बाद में बात करते हैं हम थर्ड टाइप जो हमारी ट्रेजिडी है, रिवेंज ट्रेजिडी, या यूँ कहेंगे ट्रेजिडी ऑफ ब्लड. जैसा कि अगर आपने देखा हो सॉरी मैकबेथ विलियम शेक्सपियर का, किंग लियर, हैमलेट, ये सब रिवेंज ट्रेजेडीज है दोस्तों. इसमें क्या होता है, मर्डर इंक्लूड होते हैं, रिवेंज बदला इंक्लूड होता है, गोस्ट भूत होते हैं, म्यूटिलेशन, म्यूटिलेशन का मतलब होता है अंग भंग होना, मतलब सीधी सी बात है किसी ने किसी प्रकार से ब्लड का होना ही रिवेंज ट्रेजेडी या फिर ट्रेजेडी ऑफ ब्लड. ये जो सारी ट्रेजेडीज मैंने अभी बताया ना, किंग लियर या फिर हम कहें कि मैकबेथ या फिर हम यूं कहें कि हैमलेट,
ये तीनों फेमस ट्रेजिडीज हैं विलियम शेक्सपियर की, जैसे डॉक्टर फोस्टर्स, अगर आपने नाम सुना हो डॉक्टर फोस्टर का, जो हमारे क्रिस्टोफर मार्लो है ड्रामेटिस्ट, उनकी ड्रामा है सॉरी। फिर हम फोर्थ टाइप जो है हमारा ट्रेजिडी का, उसकी बात करते हैं, जिसे हम बोर्जुआस ट्रेजिडी या फिर डोमेस्टिक ट्रेजिडी कहते हैं। बोर्जुआस जो ट्रेजिडी है, इसके अंतर्गत डिफरेंट ये है कि यहाँ इन ट्रेजिडीज में अपर क्लास हीरोज है और यहाँ बात की जाती है लोअर क्लास या मिडिल क्लास प्रोटेगोनिस्ट की। उसके साथ में जो पीड़ाएं होती है, दुख होता है, उसकी जो ट्रेजिडी होती है उसे कहते हैं बोर्जुआस ट्रेजिडी या फिर डोमेस्टिक ट्रेजिडी। इट इज रिटन इन प्रोज, सीधी सी बात है, जैसे ये जो ट्रेजिडी होती है इनमें पोएम भी, मतलब प्रोज भी होता है तो थोड़ा वर्स भी होता है, मिक्सअप होता है, लेकिन ये ओनली प्रोज में लिखी जाती है। अदर पॉइंट कि एंड प्रेजेंटेड अ प्रोटेगोनिस्ट, एक जो प्रोटेगोनिस्ट होता है हीरो, उसको ऐसा परफॉर्म करते हैं, वो होता है फ्रॉम मिडिल और लोअर क्लास, वह लोअर रैंक का या फिर मिडिल क्लास का होता है, जो कि सफर्स अ कॉमन डिजास्टर, डिजास्टर मतलब विपत्ति या संकट, या फिर कहें डोमेस्टिक डिजास्टर। सीधी सी बात है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से या फिर लोअर क्लास फैमिली से जो हमारा प्रोटेगोनिस्ट होता है, वह उसकी लाइफ में जो कॉमन उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, डिजास्टर्स आते हैं या डोमेस्टिक डिजास्टर आते हैं, वही डोमेस्टिक कॉमेडी सॉरी डोमेस्टिक ट्रेजिडी कहलाता है।